नमस्कार, विराट के बघेली समाचार में हम साक्षी अपना पंचन के स्वागत करीत हैं। खबर रीवा जिला के ही, जहां चुराटा पुलिस का सूचना मिली रही कि फोर व्हीलर गाड़ी में गांजा लोड किंगा है, जेखा पुलिस के द्वारा बरामद किंगा। पुलिस का जौन गांजा बरामद भा है, ओखर कीमत 20 लाख से ज्यादा बताई जात लागी। अपना पंचन का बताए दे कि चुराटा पुलिस बाईपास चंदवा नाला के पास घेराबंदी कई के काले रंग के टाटा जेस्टा कार गाड़ी नंबर UP86U8354 के तलाशी लीस, ओमा एक कुंटल से अधिक गांजा बरामद भा है। पुलिस का कार में दुई आरोपी मिले हैं, जिनकर नाम लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा उर्फ बबलू कुशवाहा और राम आशीष मौर्य है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के धारा के तहत मामला दर्ज कीनगा है। पुलिस मुख्य तस्करन तक पहुंचे के प्रयास कर रही ही। ये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हमारे चोराटा पुलिस ने बेहतर कार्रवाई करते हुए लगभग एक कुंटल गांजा को पकड़ा है, जिसको दो आरोपी पकड़ा है और इसको पंजीबद्ध करके हम विवेचना कर रहे हैं। उसमें अन्य तथ्य और अन्य जो भी चीज़ें आएंगे वो आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। किस तरीके से सूचना मिली थी पुलिस को? ये मुखबिर ने सूचना दी थी। कितने आरोपी पकड़े? अभी दो आरोपी पकड़े गए। तो कहाँ से लाई जा रही थी ये? इसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। किस वाहन में थे? वाहन लगभग गांजा कीमत कितनी थी? जेस्ट कार थी। जेस्ट कार कितनी कीमत की? गांजे की कीमत अभी उसका कैलकुलेशन किया जा रहा है। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन में प्रभावित किसानन के द्वारा गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन के लगे आंदोलन कीन जात लाग है। एक दिन पहले किसानन के द्वारा रेलवे इंजन का रोकी के विरोध प्रदर्शन कीन गा रहा। सरकार के द्वारा किसानन के जमीन लीन गए, जेखे बल्दी माउन का नौकरी दे के वादा कीन गा रहा। किसान अब कहत लागे कि कौनो हाल में उनका नौकरी चाहिए। आई अपना पंचन का सुनाई दे कि स्थानीय लोगन के द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन लेके का कहागा और उनकर का मांगी। सब किसान जमीन को बोए जोतेंगे, सब पटरी जोतेंगे, सब उसको नौकरी मिलनी चाहिए किसान के लड़कों को। मैं रामायण प्रसाद शर्मा बोल रहा हूँ। नौकरी जब तक नहीं मिलेगी किसान के लड़कों को, जब तक रेल नहीं चलेगी। भाई हम लोग अनशन में बैठे हैं, रेलवे प्रशासन हम लोगों के साथ वादा खिलाफी किया। आज 3 दिन हम लोगों को बैठे हो गया, रेल प्रशासन हो या और कोई माने सक्षम अधिकारी हो, किसी के तरफ से कोई माने का वो नहीं हुआ। चाहे कलेक्टर हो, चाहे SDM हो, चाहे रेलवे के अधिकारी हो, चाहे तहसीलदार हो, हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ। और हम लोगों का जब तक निराकरण नहीं होगा, तब तक हम लोग इसी तरह निरंतर अपने धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। अगर और काम नहीं चलने देंगे, अगर जो जबरदस्ती अगर जो रेल अगर जो रेल के प्रशासनिक लोग अगर जो सोचेंगे कि हम जबरदस्ती कार्य करवाएं, तो हम लोगों को उग्र आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। पर अपने जीते जी हम लोग, जब तक हम लोगों का निराकरण नहीं होगा, जब तक हम लोग रेल नहीं चलने देंगे। नहीं, रीवा से सिंगरौली ललितपुर लाइन के किसान जितने फंसी प्रभावित है, वो सब लोग इन्वाइट हैं, यहाँ पर बाधार हुए हैं। अब वो उनकी मांग है कि हम लोगों की जब तक नौकरी नहीं लग जाएगी, तब तक हम अनशन उग्र तक रहेंगे। अगर शासन की मंशा ये हुई कि अपनी जान उग्रवाद के रूप में भी अनशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, पूरी जनमानस किसान भाइयों कह रहे हैं। और बोर्ड द्वारा पहले ये निर्धारित किया गया था कि जमीन के बदले नौकरी दी जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के दी अनशन के बाद, गोयल साहब जब थे रेल मंत्री तब उन्होंने कुछ लोगों को दिया। जब से श्री वैष्णव साहब आए रेल मंत्री, तब से एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। हमारे क्षेत्रीय सांसद सतना रीवा सीधी संगरौली के ने भी अपना विचार रखा हो वहाँ सांसद पर, और राज्यसभा में राज पटेल लेन भी रखा है, उसमें भी अभी रेल मंत्रालय द्वारा कोई किसानों को किसी प्रकार की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। इसलिए शासन की मनसा के अनुसार भी हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं।
खबर रीवा जिला से ही, जहां सिमरिया तहसील में पदत सेक्शन राइटर 4000 के रिश्वत लेत गिरफ्तार भे। सेक्शन राइटर रावेंद्र शुक्ला के द्वारा रिश्वत मांगे के शिकायत पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त गोपाल सिंह धाकड़ का मिली। शिकायत के सत्यता की जांच करवावे के बाद आरोपी का 4000 की रिश्वत लेत गिरफ्तार कीनगा। गरीबी रेखा राशन कार्ड बनावे के नाम मा राम प्रकाश साकेत नाम के युवक से आरोपी के द्वारा रिश्वत के मांग कीन गई रही। इसमें एक फरियादी हैं, राम प्रकाश साकेत हैं, एक ग्राम बर्रा के रहने वाले हैं सेमरिये के। उन्होंने जो है एक आवेदन दिया था, जो गरीबी रेखा के आने वाले जो बनते हैं वो तहसीलों में बनते हैं आवेदन, तो गरीबी रेखा का उसका एक कार्ड बनना था। उसके तहत जो सेमरिया तहसील है उसमें जो उनका बाबू है तहसीलदार का, रावेंद्र शुक्ला जो आरोपी हैं, उसके द्वारा फरियादी जो राम प्रकाश साकेत हैं उनसे 5000 रुपये की मांग की गई थी कि 5000 रुपये दे दें तो हम उसका राशन कार्ड गरीबी रेखा वाला बना देंगे। तो उसी एवज में इसने पैसे मांगे थे और उसका आवेदन भी पेंडिंग रख रखा था। 1000 रुपये इसने पहले ले लिए थे और 4000 रुपये आज लेते हुए लोकायुक्त रीवा के द्वारा उसको आज रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। अभी सेमरिया में कार्रवाई चल रही थी। बाबू के अलावा और किसी को पकड़ा गया? फरियादी ने जो कहना है कि उसमें बाबू ने बोला था उसको कि उसमें तहसीलदार साहब के आदेश से ही पैसे लेना है, तो उसकी तहसीलदार की भूमिका की भी हम इसमें जाँच कर रहे हैं, आगे जैसा एविडेंस आएगा वैसी कार्रवाई करेंगे। पहले बर्खास्त कैथा सरपंच संत कुमार पटेल के ग्राम इटवा पड़वा और मिश्रा स्थित आराजीमा ओखर 1/5 हिस्सा मन नायब तहसीलदार गढ़ तहसील मनगवा के आदेश के अनुसार प्रत्येक खसरे के कालम नंबर 12 मा कुर्की आदेश के बाद भूमि बंधक दर्ज कई दिन का। मामला गांव कैथा जनपद पंचायत गगेव मा व्यापक भ्रष्टाचार से संबंधित है, जेमा लगभग 9 लाख के वसूली और कुर्की के आदेश के बाद पूर्व सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही की गई। रीवा जिले के गंगेव जनपद अंतर्गत कैथा ग्राम पंचायत में हुए व्यापक भ्रष्टाचार से के संदर्भ में जांच हुई थी और जांच में जो तत्कालीन कैथा के बर्खास्त सरपंच संत कुमार पटेल और सचिव अच्छीलाल पटेल, इनके विरुद्ध 17,92,000 के आसपास इनकी रिकवरी बनाई गई थी। इनके ऊपर FIR भी गढ़ थाने में दर्ज हुई थी। इसके बाद इनकी कुर्की की कार्यवाही चल रही थी। कलेक्टर रीवा के आदेश के उपरांत कुर्की की कार्यवाही के लिए न्यायालय नायब तहसीलदार और तहसीलदार मनगमा वृत्तगढ़ में ये प्रकरण चल रहा था। 2 साल के बाद इसमें निराकरण हुआ है और हम आपको बता दें कि इस निराकरण में अभी संत कुमार पटेल जो बर्खास्त और पूर्व कैथा सरपंच थे, इनके जमीन पर बंधक दर्ज किया गया है कुर्की के आदेश के बाद में और इनके सभी खसरा में ये बात आ गई है और ये अभी का रिसेंट डेवलपमेंट है और अब इस ज़मीन को न कोई खरीद सकता है, न इसको बेच सकता है, न इस पर ऋण लिया जा सकता है और ना ही किसी प्रकार से सहकारी समितियों के माध्यम से भी कुछ किया जा सकता है। ये जो ज़मीनें हैं उसमें हम बता दें, मिसिरा ग्राम की हल्का पड़ुआ की जो ज़मीन है 278 है, 279 है, 280 है और कैथा हल्का की इंटहा ग्राम की जो ज़मीन है वो 12/1/1, 21/1/2 और पड़ुआ हल्का की पड़ुआ ग्राम की जो ज़मीन है 386/1, 415/3, 416/1 एस पड़ुआ की ही 417/3 और 420/3 और अंत में ये 503/1, इन सभी में ये दर्ज हो गया। और इसमें जो लिखा है कालम 12 में, नायब तहसीलदार वृत्तगढ़ के कुर्की आदेश प्रकरण क्रमांक 0001 R76 2021-22 आदेश दिनांक 10/1/2023 के तहत भूमि स्वामी संत कुमार पटेल के हिस्से की 1/5 भूभाग बंधक दर्ज। तो इस तरह से अब ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ये जमीन जनहित में भी ये जारी हुआ है, कोई इसको खरीदे नहीं, कोई इसको यदि कोई बेचता भी है तो खरीदे नहीं और साथ में बैंक इसमें ऋण नहीं दे सकते, सहकारी समितियों से भी इसमें ऋण नहीं मिल सकता। तो इस तरह से रिसेंट इसमें डेवलपमेंट है। इनको 10 दिन का टाइम दिया गया है, 10 दिन में ये नहीं करते हैं तो इनके विरुद्ध फिर आगे की जो नीलामी की प्रक्रिया है वो की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के परिसदन के द्वारा राष्ट्रपति के नाम से कलेक्टर का ज्ञापन सौंपा गया, जेमा अपराधीन के द्वारा 18 साल से कम उम्र वाले लड़कन से वारदात का अंजाम देवावा जात है, जेके बाद कम उम्र के होए के वजह से लड़का बच जा था। एमा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अपराधी का सामान्य अपराधी के ऊपर दर्ज होए वाली धाराएं के तहत मामला दर्ज होए के खातिर ज्ञापन दिन, जैसे ऐसा अपराधी का बढ़ावा ना मिले,
अपना पंचन का सुनाई थैन के विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियन के साथ ज्ञापन ले पहुंचे नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला का कहे। इसके नाम क्या मांगे जी? आज हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पूरे देशव्यापी ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम सौंपा गया है, जिसमें हमारी मांग है कि पिछले कुछ समय में ऐसा देखने को आया है एक नया पैटर्न आतंकवाद का चल चला है, छोटे बच्चों को बहला फुसला करके और लगातार उनसे हमले करवाए जा रहे हैं। तो इसमें संगठन ने ये मांग रखी है राष्ट्रपति महोदय से, ऐसे कानून बनाए जाएं जिसमें नाबालिग जो इस तरह के व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी वही प्रकरण दर्ज हो जो बालिग लोगों पर दर्ज होते हैं, क्योंकि ये सोची समझी साजिश होती है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। साथ ही ऐसा देखने में आ रहा है कि कई जगह पर टारगेट करके बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो असम का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, या ऐसे अन्यत्र पूरे देश में हर जगह चल रहा है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हैं उनको रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाए, यदि नहीं बनाए जाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं हमारे देश का माहौल बहुत ही अस्थिर होगा। और इन्हीं सभी मांगों को लेकर के आज हम सभी पूरे देश भर में राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। दिव्यांशु गौतम, बजरंग दल, जिला संयोजक, रीवा। ये आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की संयुक्त इकाई के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया गया है माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर कलेक्टर सर के माध्यम से। इसमें जो प्रमुख मांग है संगठन की वो इसमें ये बताया गया है कि 8 जनवरी 2023 को असम के करीमगंज जिले में एक घटना घटित हुई है, बजरंग दल के 16 वर्षीय कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। उसके अतिरिक्त 4 बिंदुओं पर अन्य बिंदुओं हैं, उस पर फिर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, उनकी अपनी मांगे हैं बजरंग दल की, ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया द्वारा उचित माध्यम इसे अग्रेसित कर दिया जाएगा। आज खातिर बघेली में इतने, बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।